दोस्तों, अगर मैं ऐसी कल्पना करूं कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के रूप में रिटायरमेंट की प्लानिंग करूं और रिटायरमेंट के समय पर मैं बड़े आराम से किसी काउच पर लेटा हूं और अपना मनपसंद म्यूजिक सुन रहा हूं, चाहे वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या पुराने हिंदी गाने हो या कोई फोक म्यूजिक हो या हो सकता है वेस्टर्न सॉन्ग्स हो, जब तक मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊंगा। तो पॉइंट क्या है, किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू है। अब इस चैलेंजिंग इशू को एड्रेस कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास में कोई पेंशन का सोर्स नहीं है, हमारे को कोई बनी बनाई पेंशन जब नहीं आएगी तो एक चैलेंज ये होगा कि हम कैसे बनी बनाई कोई मंथली इनकम सुनिश्चित करना। इस क्वेश्चन के अराउंड दोस्तों, मैं सी अनु भाटिया कुछ प्रैक्टिकल विचार लेकर के आपके समक्ष आ रहा हूं कि आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते समय एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं आगे के डिस्कशन में। सबसे पहले आपके समक्ष कुछ की कंसिडरेशंस रखता हूं जो मेरे दिमाग में है कि ओके, इन बातों पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। जैसे हाउ टू एंश्योर अ रेगुलर इनकम सोर्स फॉर रिटायरमेंट एज, कि आपकी रिटायरमेंट एज मान लें अपन 60 ईयर, 65 ईयर प्लान करें। हालांकि लोग आजकल बहुत जल्दी रिटायरमेंट एज प्लानिंग करने लग गए, लोग तो सोचते हैं कि साहब एट द एज ऑफ 50-55 आई विल रिटायर। मैं इसे गलत नहीं मानता, ये अपना अपना परस्पेक्टिव है। वॉट शुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चलिए मैं अब रिटायरमेंट की एक एज अपने लिए सोचू भी एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तो मैं कितना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूं अपनी इनकम का, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर, वेदर इंश्योरिंग जीरो ईएमआई इज अ गुड सॉल्यूशन, अगर हम ऐसा प्लानिंग करें कि जब मैं रिटायर होऊंगा से एट द एज ऑफ 55, 60, 65, 70, उस समय मेरे सर पर कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए, क्या यह सोच गलत होगी। बिजनेस नीड्स वर्सेस फ्यूचर फाइनेंशियल सॉल्यूशन, एक व्यापारी के लिए, किसी व्यवसायी के लिए अपने व्यापार में इन्वेस्ट करना, री इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि फ्यूचर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूं या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी कुछ बच रहा है प्रॉफिट वो वहीं लगा दूं। मेरा तो कहना है सर कि दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके समक्ष रख रहा हूं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें एज अ प्रोफेशनल, एज अ बिजनेसमैन, यानी एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं कि ओके, चलिए आपने सोचा कि ओके अनुज जी, मैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूं तो मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट मोड्स तो बताइए जिससे मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूं। मैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट से पहले दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, टर्म प्लान इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। आप किसी भी एज ग्रुप में हो पर आप ये विचार जरूर करें कि अपने पास में एक अच्छे अमाउंट का टर्म प्लान इंश्योरेंस। आप बोलेंगे अनुज जी टर्म प्लान इंश्योरेंस अच्छे अमाउंट का से आपका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का एक कोई अच्छा टर्म प्लान इंश्योरेंस होना चाहिए। आपकी एज अगर कम है तो आप टर्म प्लान इंश्योरेंस बड़ी अमाउंट का ले सकते हैं तो आपको प्रीमियम कम आएगा, और अगर आपकी एज बढ़ गई है से 40, 45, 50 तो टर्म प्लान इंश्योरेंस तो आप बड़े अमाउंट का ले सकते हैं लेकिन प्रीमियम भी ज्यादा आएगा। आप बोलेंगे अनुज जी पर्पस क्या है। देखिए पर्पस क्या है, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हम अपने बिजनेस में लगातार कंसंट्रेट करते हैं, अपने प्रोफेशन में कंसंट्रेट करते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि किसी वजह से हमें कुछ हो गया तो फिर परिवार के पास में इस बिजनेस को चलाने की क्षमता हो जरूरी नहीं है। पर्टिकुलरली प्रोफेशन में तो वो प्रोफेशन केवल प्रोफेशनली कंटिन्यू कर सकता है, दूसरा पर्सन कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो चाहे परिवार से क्यों ना। ऐसी परिस्थिति में क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि किसी ऐसी मिस हैपनिंग के केस में परिवार के लिए एक सब्सटेंशियल अमाउंट छोड़ी जाए। हालांकि इसका रिटायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है लेकिन यह आपकी फ्यूचर प्लानिंग में सबसे पहला किए जाने वाला स्टेप है जिसे मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। दूसरा है दोस्तों, इससे आपको एक निश्चिंतता आएगी कि चलिए मैंने यह सुनिश्चित कर दिया कि कुछ मुझे हो भी गया तो परिवार को एक सब्सटेंशियल अमाउंट छोड़ूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस देखिए क्या होता है, आप जल्दी अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो परिवार में या खुद के प्रति कोई भी हेल्थ संबंधी समस्या आई तो हमारी फाइनेंशियल व्यवस्था डगमगाएगी नहीं, प्रोवाइडेड वी हैव अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस कवर। आजकल सरकारी स्कीम्स में भी हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है मैं जानता हूं, लेकिन एक प्राइवेट इंश्योरेंस अगर अपने पास में खुद का हो तो मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि ओके इन्वेस्टमेंट्स कहां करने हैं। पहले दो चीजें मैंडेटरी थी मेरी ओपिनियन में,
बहुत जरूरी है ताकि आपको निश्चिंता रहे। अब बात करें कि लॉन्ग टर्म में आपको एक कैपिटल बिल्डअप करनी है तो आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की ओर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड के थ्रू आपके पास में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल बिल्डअप करने का तरीका है। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट्स, एनएससीज और पीपीएफ अकाउंट, ये भी आपको एक छोटे प्रपोर्शन में जरूर लेकर चलना चाहिए। अब आप कहेंगे अनुप जी आपने छोटा प्रपोर्शन वर्ड क्यों बोला है? देखिए दोस्तों, यंग एज में हमारे पास में रिस्क लेने की क्षमता है, तो मैं बोलूंगा एसआईपी की ओर जाइए। मैं शेयर मार्केट नहीं बोल रहा आपको, कोई आप में से शेयर मार्केट का खिलाड़ी हो इन्वेस्ट करे, मैं मना नहीं करता, पर मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को शेयर मार्केट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। गोल्ड में भी मैं आपको बोलूंगा आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, गोल्ड बीज में जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड रखने की टेंशन नहीं है, लिक्विडिटी फास्ट है। फिक्स डिपॉजिट एनएससी आपको रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी से मंथली इनकम का 3 गुना 4 गुना आपके पास में एफडी के रूप में पड़ा होता है, तो कभी कोई कैजुअलिटी आती है तो काम आता है। इवन पोस्ट रिटायरमेंट अगर मैं सोच रहा हूं तो मेरे पास एक एफडी का होना एक कंफर्ट है कि चलिए कभी भी जरूरत पड़ेगी 5 लाख 10 लाख वहां से निकाल लें। पीपीएफ अकाउंट की भी प्लानिंग आपको अर्ली एज से शुरू करनी चाहिए ताकि आपको एक एग्जम्प्ट रिटर्न के रूप में मोटा कॉर्पस रिटायरमेंट पर मिलेगा, या 60 इयर्स की एज पे 65 ईयर पर मिलेगा, तो वो आपको फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। अब बात करता हूं दोस्तों कि मान लेते हैं कि आपने अपने एक्टिव लाइफ में जब आप कमा रहे थे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, अपने इन्वेस्टमेंट किए, चाहे एफडीज में किए, म्यूचुअल फंड में किए, सिप में किए, गोल्ड बीज में किए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में किए, और आप ऑलरेडी अपना इंश्योरेंस करा चुके हैं। इंश्योरेंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट देता हूं, उससे एक फीलिंग आती है कि हाँ साहब आई एम वेल इंश्योर्ड इन टर्म्स ऑफ टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आई नीड नॉट टू बॉदर अबाउट एनी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ओके लेट्स से यू टेक अ कॉल कि ओके अनुप जी मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो कन्वर्जन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू मनी रिटर्न्स कैसे करूं, मंथली रिटर्न्स में मेरे को लेकर के आना है मेरे इन्वेस्टमेंट्स को। तो नेचुरली वन ऑफ द ऑप्शन इज मंथली इनकम स्कीम। बहुत सारे बैंक, एनबीएफसी, पोस्ट ऑफिस आपको मंथली इनकम स्कीम का ऑप्शन देते हैं। इसका फायदा क्या है कि आपका मूल बहुत हद तक सेफ है, और अब आपको आपका मूल सेफ रखते हुए एक मंथली रिटर्न वहां से आना शुरू होगा। दिस कुड बी वन मोड ऑफ फेचिंग मंथली रिटर्न। जैसे हमने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया था एसआईपी के रूप में, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास म्यूचुअल फंड का 50 लाख इकट्ठा हो गया रिटायरमेंट की एज 60 ईयर पर, तो उसे पूरा 50 लाख नहीं निकालना। अगर उनकी म्यूचुअल फंड को फर्दर होल्ड करने की क्षमता है, उन्हें म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो वो सज्जन सपोज उन्हें मंथली 25,000 की आवश्यकता है, 50,000 की आवश्यकता है, तो वो 50,000 करके म्यूचुअल फंड से विड्रॉ करें हर मंथ। तो दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इससे फायदा क्या होगा कि बाकी का पैसा अभी भी आपको कमा के देगा। तो ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए आप निकाल रहे हैं तो देन इन दैट केस आपका पूरा 50 लाख ही रहेगा। जब तक आप पूरे 50,000 से विड्रॉ करेंगे, हो सकता है वो 50 लाख तब तक 60 लाख हो जाए, तो आपकी विड्रॉल की क्षमता बढ़ेगी। ये बहुत इंटेलिजेंट वे है। लिक्विड फंड्स में आप रिटर्न क्लेम कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में उस समय आप रिटायरमेंट की एज पर एफडीज के साथ लिक्विड फंड को भी ऑप्ट कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अपनी एक्टिव लाइफ में अगर हम कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर लें जो रियल एस्टेट फॉर्मेट में हो, मैंने अभी शायद पहले ये बात नहीं जोड़ी, और वो हमें रेंटल इनकम देता रहे, चाहे हाउस प्रॉपर्टी हो चाहे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जनरली हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा अच्छा किराया देती है, और आप क्योंकि व्यापारी हैं या आप एक पेशेवर व्यक्ति हैं तो आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को इवेल्युएट करना जानते हैं। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपको रिटायरमेंट के समय अपनी मंथली रिटर्न की प्लानिंग करने के लिए। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स आपके साथ में ये ले रहा हूं कि हमें किस बात को अवॉइड करना चाहिए, हमें किस बात को अवॉइड करना चाहिए अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते समय रिटायरमेंट के लिए एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। आई वुड सजेस्ट प्लीज इग्नोर पोंजी स्कीम्स। देखिए होता क्या है दोस्तों, हमारे देश में मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीटिंग करना चाहते हैं, है ना, और बहुत से बेचारे ऐसे लोग हैं जो उनकी चीटिंग में फंस जाते हैं।
अब क्योंकि हम बिजनेसमैन रहे हैं, प्रोफेशनल रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क कैपिटाइट सैलरीड पर्सन से हमारा ज्यादा अच्छा होता है। तो होता क्या है कि हम कई बार ऐसी स्कीम्स की रिस्क ले लेते हैं जहां हमें बिल्कुल भी जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा ये कहना है सर कि कोई बहुत ज्यादा आकर्षक स्कीम दिखे तो थोड़ा सा उसको इवेल्युएट करिए, अपने कंसल्टेंट की राय लीजिए, पोंजी स्कीम में निवेश करने से बचे। इग्नोर प्रोवाइडिंग अवेलिंग अनसिक्योर्ड लोन। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा कि साहब रिटायरमेंट के समय अपना पैसा किसी बिल्डर को या किसी बिजनेसमैन को, दूसरे बिजनेसमैन को दे दिया। बड़े हार्ड एंड मनी था सर, जो ओवर द पीरियड ऑफ एक्टिव लाइफ हमने इकट्ठा किया, अब अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दूसरे व्यक्ति को दे दिया और पैसा उलझ गया। आप ब्याज की बात छोड़िए, मूल भी नहीं आ रहा। तो मेरा यह कहना है सर, जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की ओर बढ़े, मार्केट में इस तरीके से पैसे देने से बचें, और रिटायरमेंट के पैसे को तो अनसिक्योर्ड लोन के रूप में ना ही दे तो ज्यादा अच्छा है। इग्नोर टू मच हायर रिटर्न, ये पहले पॉइंट जैसा ही है। अगर आपको कोई बहुत हाई रिटर्न देना चाह रहा है तो आप समझिए हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिटर्न हाई रिस्क। तो अगर आपको बहुत हाई रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को मिटिगेट करना आपके लिए रिटायरमेंट की एज पर ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेक अ सेफ प्लान फर्स्ट, देन एलोकेट फंड टुवर्ड्स द रिस्की इन्वेस्टमेंट। बार बार मेरी बात सूत्र एक ही ओर जा रहा है कि सबसे पहले एक सेफ प्लान बनाइए, फिर रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाइए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू एंश्योर जीरो ईएमआई फॉर एल्डरली एज। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आप अपनी एल्डरली एज पर से 55, 60, 65 में ये जरूर सोचे कि अब मुझे कोई ईएमआई नहीं बांधनी, चाहे वो गाड़ी की ईएमआई हो, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो। तो भी मुझे लगता है दोस्तों, ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी रिटायरमेंट एज की एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सुनिश्चित हो पाएगी। अंत में दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, जिसके थ्रू मैंने अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखे, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, इवन मुझे विश्वास है कि सैलरीड पेड पर्सन भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें भी कुछ इनपुट्स, कुछ आइडिया जरूर मिले होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां जो विचार मैंने आपके समक्ष रखे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आई वुड से हैप्पी इन्वेस्टिंग। आई वुड से कि आप अपना एक प्रॉपर प्लानिंग करिए, अपने कंसल्टेंट से राय करिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए, सो दैट यू कैन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नॉट ओनली व्हेन यू आर वर्किंग, बट इवन व्हेन यू स्टॉप टू, व्हेन यू थिंक ऑफ स्टॉप टू वर्क। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दीपावली। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।